पे घूमने का जगह है चिमनी का। ये है चिमनी गार्डन हेरिटेज, चिमनी हेरिटेज गार्डन, बहुत अच्छा है। अंदर से आप घूमने जा सकते हैं यहाँ पे। 10 रुपया चार्ज है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुलता है। बागोरा से होते हुए अब हम लोग चलेंगे चटकपुर के रास्ते। ये राइट लेने से चटकपुर ना, तो लेफ्ट लेने से ये आरो है, ये रहा। इतना ठंडा लग रहा है कि आवाज भी नहीं निकल रहा है। ये चटकपुर के रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, सुनसान ड्रामा। यहाँ से 7 किलोमीटर है चटकपुर। रास्ता देखिए, रास्ता कितना खराब है। ये पूरा फॉरेस्ट के अंदर से ही चलेंगे हम लोग। ये रास्ता है ना आगे, सेंट्रल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर से हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए क्या नजारा है, एकदम वांटेड प्लेस जैसा। ये पूरा ऑफ रूट है लेकिन बड़े मजेदार है, बहुत ही मजा आने वाला है हम लोग को एडवेंचरस की। रास्ता है ना आगे, ऐसा तो नहीं है कि रास्ता जाके बंद हो गया हो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सामने कुछ दिख नहीं रहे हैं, बहुत ही ठंडा है आज, पूरा जम्मे लगा है इधर। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब कार लेके नहीं आ सकते। ये दोस्त लोग खड़े हैं, ये लोग भी चलना स्टार्ट कर दिया है। आपको वीडियो देख के पता चल ही रहा होगा रास्ते के बारे में। रास्ता है नहीं, गली में जा रहे हैं हम लोग चल रहे हैं एक सुनसान रास्ते पे, दूर दूर तक कोई नहीं है। देखिए झरना है क्या, पानी है रोड पे, पता नहीं क्या है, हम लोग भी पहली बार जा रहे हैं। ये पूरा डेंस फॉरेस्ट। स्टैंड नीचे है क्या? नहीं नहीं वहाँ में लगा था पत्थर नीचा हो पत्थर पत्थर। ये कहाँ आ गए हम, यूँ ही साथ साथ चलते। देखिए जंगल, दोनों तरफ जंगल है, साथ में खाई भी है। जैसे आप लोग को पता ही है हाई ऑल्टीट्यूड में ये पाइन फॉरेस्ट दिखते हैं, तो यहाँ चारों तरफ पाइन ही पाइन है। तो दोस्त लोग पीछे हैं, पूछ लेना चाहिए था क्या लोगों से चटक पूछ जाए। अरे पूछा भाई, कोई जानवर निकल गया तो समझिएगा क्या होगा। हम लोग पूरे जंगल के अंदर से जा रहे हैं और जहाँ तक सुना है यहाँ पे चीता, डियर, बियर सभी दिखने मिलते हैं। वो अपना लक पे डिपेंड करता है पूरे रास्ते में किन से मुलाकात हुई। रास्ता देखिए कितना खराब है और घना होता जा रहा है जंगल, हम लोग को डर भी लग रहा है। भी बहुत है इधर,
नॉर्मल रास्ता तो नहीं है, यहाँ से ऐसे आम लोग तो नहीं आते हैं। ये नॉर्मल रास्ता कहाँ से लग रहा है, ये गाड़ी वाड़ी चलता नहीं है इतना पतला गली में, तो गली है ये। गाड़ी में पेट्रोल है ना रिटर्निंग के लिए। सब है, सब है, चिंता का कोई बात नहीं है, चिंता का बात नहीं है, चीता नहीं, चिंता का बात है एक ही है, सिर्फ चीता होता ना निकले, भालू चीता से मुलाकात हो गया तो बस अपने सबके फट पड़ेगी। ये देखिए रास्ता कितना भयानक, जंगल तो कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ये, कौन सा जानवर का आवाज है ये, किसे पता है। मुझे तो काफी मजा आ रहा है रास्ते से। सुनसान रास्ता है और जिस रास्ते में मनुष्य से कम चलते हैं मनुष्य वो रास्ता अच्छा ही होता है। शैतानों का शैतान का बस है, देखिए पूरा का पूरा जंगल ही है ये। अरे ये कौन चिड़िया उड़ रही है, तुम लोग एक गलती कर बैठे हैं, डीएसएलआर नहीं लाए हैं, नहीं तो डीएसएलआर तो लाए हैं, बैटरी लाना ही भूल गए, बैटरी लाना भूल गए हम लोग। देखिए झाड़ियाँ हम लोग के सर पे आके लग रही है। रास्ता देख के पता चल रहा है इधर बहुत ही कम आदमी का जाना आना है। किससे पूछे थे चटकपुर जाता है रास्ता, तो वही पे मोड़ पे बोला था लोग चटकपुर जाता है। हाँ। अभी तो मुझे डाउट हो रहा है कि चटकपुर नहीं कहीं और जा रहा है। हाँ ना, चटकपुर जंगल के अंदर ही है, तो चटकपुर ना जाए कहीं तो जलेगा, वही जाएंगे क्या दिक्कत, रिटर्न हो पाएंगे ना। GPS ये रास्ता बिल्कुल ही नहीं दिखा रहा था, तो गूगल मैप में ये रास्ता है ही नहीं, और ये हमारे लोकल गाइड दादुल ने बताया कि ये रास्ता भी देखिए रास्ता कितना ख़राब है, पूरा ऑफ रोड बताया गया है, ऑफ रोड में ड्राइव चल रही है। एक्चुअली ये अपर सुनादा में पड़ता है चटकपुर, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी।
उधर उधर देखो क्या मस्त है बस। क्या व्यू है देखिए জব্বরদস্ত। এই বলে কি মাসখানে দাঁড়িয়ে বলে কি আর যাবে এই রাস্তা বাজে আরে পুরো ডাইরেক্ট ইউজ করি ওটার জন্য না এটার জন্য মেরা বাজ গিয়া এটার জন্য পুরো সাইকেল বাজ গিয়া মেরা জুতা ফট যাতা ওয়া পায়ের রাখা না ফাস গিয়া থা পাথর না ও মুঝে ভি লাগাও পাথর না সাইড মে থা আমার বাইক ভাই এত থেকে বাজে রাস্তা আমার বাইক এত থেকে বাজে দেখিয়ে রাইডার লোক কাফি ডর গয়ে এত থেকে বাজে রাস্তা আমিও নেমেছি উঠেছি কিন্তু এটা আলাদাই রকম काफी ऊंचाई पे उड़ गया चढ़ गया रे उतरोगे कैसे हम लोग हीरो है।